नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नया साल आने वाला है और 20 दिन ही मात्र रह गए हैं। अभी भी लोग सर्च कर रहे हैं कि कुछ तो सफलता के लिए कुछ राज मिल जाए, कुछ सीक्रेट मिल जाए। सर्च के ऊपर सर्च कर रहे हैं, लोगों से वार्तालाप बढ़ा रहे हैं, इंटरनेट में घुसे पड़े हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहे करे तो क्या करे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जो वीडियो आप में एक अलग एनर्जी, एक अलग मोटिवेशन खड़ा कर देगा। और इस वीडियो को समझ जाते हो और आप एक गोल को फोकस करके काम करते हो, डेफिनेटली आप अपने गोल को बहुत कम समय में अचीव कर पाएंगे। तो आज मैं एक स्टोरी वीडियो लेकर के आया हूँ जो रियलिटी पर आधारित है, एक ऐसा स्टोरी जो आप में एक अलग आग ला देगा। स्टोरी का टॉपिक है 80 रुपए से खड़ा किया 1600 करोड़ का बिजनेस। जी हाँ, दिस इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ लिज्जत पापा। तो साथियों, आज की संघर्ष से सफलता की कहानी है भारत के उस फेमस पापड़ ब्रांड की जो हर किसी ने जरूर खाया होगा। हम बात कर रहे हैं लिज्जत पापड़ की। दोस्तों, लिज्जत पापड़ का बिजनेस पुरुषों ने नहीं बल्कि कुछ महिलाओं ने मिलकर शुरू किया था। लिज्जत पापड़ खाने में जितना स्वादिष्ट है उतनी ही संघर्षपूर्ण इसकी सफलता की कहानी भी है। लिज्जत पापड़ सक्सेस स्टोरी से आप एक बात जरूर सीखेंगे कि महिलाएं अगर चाहे तो कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। हमेशा से ही हमारे समाज में महिलाओं को कम समझा जाता है। समाज महिलाओं को बस एक घरेलू कामकाजी महिलाओं की तरह ही देखता है, जिस वजह से औरतों को हमेशा पुरुषों से नीचे का ही दर्जा दिया गया है। लेकिन आज भी समाज में ऐसे कई सारी महिलाएं हैं जो बिजनेस में पुरुषों से भी आगे अच्छा काम कर रहे हैं और सफलता की ऊंचाइयों लगातार छूती चली जा रहे हैं। भारत में भी दिन प्रतिदिन सफल महिलाओं की गिनती बढ़ती जा रही है। महिलाएं आज ये साबित कर दिखा रहे हैं कि वो घर से निकलकर दुनिया के सामने कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। आज की रियल लाइफ वीमेन इंस्पिरेशनल स्टोरी जिन महिलाओं की है, उन्होंने एक साथ मिलकर घर से शुरू हुए पापड़ के छोटे से कारोबार को अपनी काबिलियत से सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। तो आइए जानते हैं लिज्जत पापड़ की सफलता की कहानी। सो लेट स्टार्ट। ये कहानी है मुंबई की रहने वाली जसवंती जमुनादास पोपट की, जिन्होंने अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए 1959 में पापड़ बेलने का काम शुरू किया था। जसवंती बेन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी और कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनमें कारोबार की अच्छी समझ थी। उन्होंने इस काम में अपने साथ और 6 गरीब बेरोजगार महिलाओं को जोड़ा और 80 रुपए का कर्ज लेकर पापड़ बेलने का काम शुरू किया। ये सभी महिलाएं गुजराती परिवार से थी और उन्हें पापड़ खाकर बनाने में महारत हासिल थी। इन महिलाओं ने 15 मार्च 1959 को पहला लिज्जत पापड़ बेला था। इस काम की शुरुआत बहुत पैसे कमाने या फिर बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने के पर्पस से नहीं हुई थी। 7 महिलाओं ने ये तय किया था कि वे इस काम के लिए किसी से चंदा नहीं मांगेंगे, चाहे उनका काम घाटे में ही क्यों ना चला जाए। लेकिन कुछ महीने की मेहनत के बाद ही उन्हें 80 रुपए का उधार चुका दिया और फिर 4 पैकेट से 40 और फिर 400 तक पहुंचने में वक्त नहीं लगा। 80 रुपए से शुरू हुआ ये बिजनेस आज सालाना 1600 करोड़ रुपए का बिजनेस बन चुका है। इस कारोबार से तकरीबन 45,000 महिलाएं जुड़ी हुई है और इसके 62 ब्रांच हैं। 1962 में इस ग्रुप ने अपने पापड़ का नामकरण किया और इसका नाम लिज्जत पापड़ रखा। लीज गुजराती शब्द है जिसका अर्थ स्वादिष्ट होता है। साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया है। लिज्जत पापड़ देश विदेश में फेमस है और इसके फेमस होने के पीछे का कारण है इसकी क्वालिटी, जिसका क्रेडिट इस बिजनेस से जुड़ी महिलाओं को जाता है। आज भी इन पापड़ों को मशीन से नहीं बल्कि हाथों से बनाया जाता है। लिज्जत ग्रुप की 2 सबसे अच्छी बात यह है कि लिज्जत पापड़ सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं लेती और यहाँ काम करने वाली हर महिला को बहन शब्द से संबोधित किया जाता है, जिस कारण सब एक समान दिखते हैं। सो साथियों, इस कहानी से हम ये शिक्षा लेते हैं, ये सभी महिलाएं गरीब परिवार से थे
और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन अपनी शिक्षा को कभी उन्होंने अपनी कमी नहीं माना और यही लिज्जत पापड़ की सफलता का राज है। कम पढ़े लिखे होने के बाद उन महिलाओं ने अपनी मेहनत से वह कर दिखाया जिसे करना आसान नहीं था। भारतीय महिलाओं के लिए ये काफी सम्मान की बात है और इनकी सफलता हम सभी को हौसला भी देती है कि अगर हम अपने हुनर को तलाश लें और उस पर पूरी मेहनत से काम करें तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। लिज्जत पापड़ की शुरुआत करते समय उन महिलाओं में से किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि 80 रुपए से शुरू हुआ बिजनेस आज 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा और हजारों महिलाओं को रोजी रोटी का सहारा भी बनेगा। लेकिन आज ये कहानी एक लोगों में एक अलग एनर्जी फील करवाती है। तो साथियों, आप जो भी करना चाहते हो आप उसी में फोकस कीजिए, आप दो चार में मत जाइए, एक में फोकस कीजिए और फोकस के साथ साथ कीजिए तो देखना है एक दिन आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो और बेस्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।